उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का ऐलान होने के बाद शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। पीलीभीत में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बसपा और भाजपा भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए लगातार मंथन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हरिपाल सिंह, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास प्रोग्राम निकाय की जंग। तमाम जनता है तराई यानी कि बांसुरी नगरी पीलीभीत की, इन्हीं से आज रूबरू कराता हूं और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से नगर निकाय के चुनाव का क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या हाल है, क्या माहौल है, क्या पार्टियों की साख दांव पर लगेगी या प्रत्याशी का चेहरा मायने रखेगा, तमाम लोग इन्हीं से बात करूंगा। भाई साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस बसपा भाजपा पार्टियों का जो सिंबल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर प्रत्याशियों की साख चेहरा? देखिए, चूँकि लोकल बॉडी का चुनाव है, प्रत्याशी की अपना चेहरा भी एक मायने रखता है, लेकिन पार्टी का भी सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य दलों पे मैं देखता हूँ कोई विजन नहीं है, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अदर पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी मामला एक विजन लेकर के काम करती है, चाहे वो किसी नगर के विकास करने की बात हो, चाहे देश के विकास करने की बात हो, चाहे देश के नागरिकों के विकास करने की बात हो, तो विजन लेकर काम करती है। देखिए, तमाम लोग हैं, जनता इन्हीं से सवाल जवाब लेंगे और लोगों से सवाल लेते हैं। सर, आप बताइए, बता रहे हैं कि भाजपा के पास विजन है विकास का, किस पार्टी का आपको मुद्दा हावी लग रहा है इस बार? बीजेपी का ही मुद्दा हावी है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी के अंदर बहुत विकास किया है और जो भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो लगातार विकास की तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, इसलिए बीजेपी ही आगे रहे। अच्छा, बताइए भाई साहब, विकास को लेकर के अगर बात करें तो शहर में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हो पाया, कुछ उम्मीदें लोगों की थी लेकिन वो टूट गई, क्या कौन से ऐसे काम हैं? सर, अभी थोड़े दिन पहले देखा बरसात हुई थी तो लोगों के मकानों में घरों में पानी घुसा हुआ था सर, राशन पानी सब पानी पानी हो गया था, पानी का निकास नहीं था, गंदगी देख रहे हैं आप, चौराहे चौराहे पे ले लो, जयसंतरी चौराहे पे ले लो, मेन जगहों पे इतना कचरा ढेर लगा रहता सर, तो क्या हो रहा बताएं? कचरे की दिक्कत है, कचरे हैं, नाले हैं, लाइट इतना तारी तार है कि भाजपा के पास विकास का विजन और पार्टियों के पास कोई विजन नहीं, क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का विजन होता तो आज इनके सांसद विधायक बागी ना होते। आज भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो फर्क है वो हमें नहीं, जनता को भी दिख रहा है कितना विकास हो रहा है। आज सूख नहीं पा रही स्याही, अखबार की खबर आ जाती मर्डर और दूसरे बलात्कार की यूपी में। तो प्रदेश में तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी में नहीं रहेंगे, मिट्टी मिला देंगे। धारा 144 लागू होने के बाद भी दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, आप कह रहे हो कानून व्यवस्था चौकस है, आप इसे किस नजरिए से देखना चाहते हैं? जिस जगह पे धारा 144 होने के बाद कल लखनऊ की बड़ी वारदात होते होते बची लखनऊ में, दिन दहाड़े मर्डर होने के बच गया, वो तो सही समय पर एक्शन ले लेंगे। तो कानून व्यवस्था भी लोग कह रहे हैं कि लगातार जो मुद्दा वो रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो निकाय के चुनाव है, भाई साहब आप बताइए, बता रहे हैं कि दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में, क्या भाजपा कानून व्यवस्था पर मुकम्मल इंतजाम नहीं कर पाई है? कानून व्यवस्था की बात हम विधानसभा चुनाव में और लोकसभा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कर लें, क्योंकि लोकल मुद्दों की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम नगरपालिका चुनाव में खड़े हुए हैं, लोकल मुद्दों की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम जो विपक्ष सवाल जाए आप लोगों को उठाता है तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा इस चुनाव में? लोकल जो चुनाव है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, और बेसिकली नगर पालिका का चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, ना कि स्थानीय और ना कि प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो लोकल मुद्दे क्या है आप लोगों के? क्या लोकल मुद्दा? तीन जो स्थायी जरूरतें होती हैं विकास की, एक सड़क, दूसरा प्रकाश और तीसरा सफाई, ये तीन बेसिक जरूरतें होती हैं नगर पालिका की। इन तीनों पर पिछले बीते 15 सालों में जो भी चेयरमैन रहे उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी जीत करके आता है तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि डबल इंजन की सरकार है, और जब लोकल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और विकास को तिगुनी रफ्तार मिलेगी। तो डबल इंजन की सरकार है, बता रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज होते हैं उन पर निकाय के चुनाव होने चाहिए और इस चुनाव में प्रमुखता से जो निचले मुद्दे वो हावी रहेंगे। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के हमारे भाई ने कहा कि चेयरमैन 15 साल से इनकी अभीक्षण में जो चेयरमैन थे मौजूदा और हैं वो जायसवाल साहब, तो उन्होंने कोई विकास का कार्य करा नहीं, सारी सड़कें देखो आप, बिल्कुल नहीं, पूरा भाजपा का संरक्षण उनको मिला पूरा नहीं। पिछली बार भाजपा का कुछ प्रत्याशी उनके मैदान में चुनाव लड़ रहा था, लड़े नहीं लड़े, लेकिन फिलहाल वो पूरा भाजपा के एक एजेंडे के टर्म काम करती हैं, कोई विकास कार्य नहीं करा उन्होंने, सड़कों को हाल आप देख लो, नाले चौक जिम्मेदार है और क्या यार, मौजूदा सरकार भाजपा की है,
तो पूरा उनका चेयरमैन तो नहीं था ना, चेयरमैन नहीं था, लेकिन पूरा संरक्षण उनका पूरा वो बीजेपी का था, सारे बजट उनके बीजेपी का था, और लोगों का आरोप है बता रहे कि पूरा जो चेयरमैन था इसलिए विकास नहीं। भाई साहब तो ज्ञान की थोड़ा अभाव है यहाँ पर। इससे पहले के जो यहाँ पर चेयरमैन रहे थे वो निर्दलीय रूप से यहाँ पर लड़े थे, ठीक है, बैकअप था उनके लिए, उनके कहने से बैकअप थोड़ी जाएगा। अभी ये सरकार जो है लोकल सरकार चलाती है, स्थानीय बुद्धि की सरकार चलाती है। स्थानीय बुद्धि की सरकार में जब हमारी सरकार जब डबल इंजन की चल रही है तो हमारा प्राथमिकता ही विकास की है। केंद्र में भी अगर हम यहाँ पर भी है, पूरे देश में अगर हम राज कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि विकास किया हमने, काम किया है, और यहाँ पर लोकल अगर काम नहीं करेंगे तो हमें जनता दोबारा से नहीं चुनने वाली है। अच्छा भाई साहब, आप बताइए नगर निकाय के चुनाव लोकल में क्या इशूज है, कौन सी समस्या है जो लोगों को अभी भी सामना करना पड़ रहा है? नगर पालिका के इलेक्शन में साफ सफाई, विकास, इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं जो है मुद्दों को फेस करके हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा मैदान में वो जीतेगा, बहुत अच्छे वोटों जीतेगा, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। जी तो देखिए लोग हैं बता रहे कि भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा, बताइए बता रहे कि भाजपा का प्रत्याशी इस बार अपनी फतह करेगा हासिल। इस बार भाजपा का प्रत्याशी तो मतलब देखा जाए वो तो जनता चुनेगी कि कौन करेगा, मतलब। अच्छा क्या लगता है आपको, इस बार लोकल के जो इशू है वो रहेंगे या जो विपक्ष बार बार हमलावर रहता है, चाहे भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, ये सब मुद्दे रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि आदमी विकास देखेगा। कौन से मुद्दे अभी रहेंगे इस बार? रोड के गंदगी, मतलब सड़कों के, अदरवाइज जैसे गंदगी जो पहले ही गली गलियों में, या अदरवाइज मतलब जो राशन के अन्नवाइज जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। मतलब सर क्या समस्या है शहर में, आपको लगता है कि शहर में क्या समस्या है? शहर के अंदर गंदगी, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उनके ही एक सभासद ने निर्दलीय बिजली की व्यवस्था के ऊपर जब आरोप उन पर लगा था तो उसने अपने हाथ की नसें काट ली, सभासद भी हैं। इस बार किसका माहौल लग रहा है आपको? टोटल बीजेपी, पिछली बार बीजेपी ने जीता है। हाँ टोटल बीजेपी आएगी, आप लिख के रख लें। अब ये हमारा जो कैंडिडेट होगा वो अलग ढंग से आएगा, अलग ढंग से आएगा। बाकी साहब आप बताइए कि इस बार क्या लगता है आपको, लोकल के इशू ज़्यादा हावी रहेंगे या जो विपक्ष हर बार हमलावर रहता है सरकार पर वो हावी रहेंगे? लोकल के इशू भी हावी रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें बनी हुई है, आप देख रहे होंगे हाल ही के दिनों में जिस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम गवाहों की हत्या हो जा रही है, अब जब गवाहों की हत्या हो जा रही है तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस कस्टडी में ही जो है अपराधी आके मर्डर कर दे रहे हैं, पुलिस देखती रह जा रही है, और तो इस तरह से जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है उससे लोगों में आक्रोश है, रोष है, लोग आज की तारीख में रात को निकलने से, बाहर निकलने से डर रहे हैं, और न्यायपालिका पे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रेशर है कि हम जो रिमांड दे देते हैं किसी मुलजिम को और सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। दूसरी चीज़ जो लोकल के इशू हैं यहाँ पीलीभीत में वर्तमान में चारों विधायक भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा का है, इसके बावजूद भी पीलीभीत की जो स्थिति बनी हुई, चाहे ट्रैफिक के मामले हो, चाहे बरसात में पानी की समस्या रही हो, या फिर अन्य मामले हों, उसमें बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक में अगर आप सुबह 10 बजे यहाँ से अगर आप इमरजेंसी में जाना चाहेंगे तो एम्बुलेंस और आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हर जगह फंसी हुई मिलेंगी। तो जो हर बार विपक्ष हमला पर रहता है वो मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल हावी रहेंगे। तो देखिए कानून व्यवस्था का बता रहे हैं मुद्दा है, भाई साहब आप बताइए, बता रहे हैं हत्या कर दी जाती, कानून व्यवस्था में लचा रहे, मुद्दे सब हावी रहेंगे? बिल्कुल हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वो हत्याएं हो रही हैं माफियाओं की, गुंडों की, इसलिए जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। मैं तो योगी जी की बात से बहुत खुश हूं, और मैं खुद समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में, अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी छोड़ चुका हूं। मैं बिल्कुल नीचे पाल के गनर की दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है, अतीक अहमद की कस्टडी में हत्या हो जाती है, तो आपको लगता नहीं पुलिस की इसमें लापरवाही है? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, जो गुंडे इतने समय से राज करते चले आ रहे हैं तो इनको खत्म करने में वक्त तो लगेगा। बता रहे हैं कि जो न्यायपालिका वो खतरे में है इस वक्त? नहीं नहीं देखिए, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, वो कानून ठीक से जानते नहीं है। लगातार न्यायपालिका अपने हिसाब से काम कर रही है, वो किसी के सरकार के या किसी विपक्ष के हिसाब से काम नहीं करेगी। अच्छा आप बताइए इस बार शहर में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किन किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ना ही तो हम अभी प्रदेश की बात कर सकते हैं, हम करेंगे अपने शहर की बात, हमारा शहर, हमारा पीलीभीत सबसे मेन समस्या हमारे आगे है। पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले 15 सालों से प्रभात जायसवाल जी यहाँ पे पीलीभीत पे चेयरमैन बने, लगातार बने, पब्लिक ने उन्होंने जिताया, मुख्य वधिर होके जिताया उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमारे शहर के लिए।
अभी मैं कल की ही एक बात बता दूं, आवास विकास कॉलोनी की बता दूं, दिल्ली से एक कार आई, उसमें फैमिली बैठी हुई थी, उसने उसको नहीं पता कि मेरे रोड की कंडीशन यहाँ पे क्या है, उसने आनंद फानंद में कार वहाँ से मोड़ दी लेफ्ट हैंड साइड, मोड़ने के साथ उसका अगला जो राइट हैंड पहिया था वो डायरेक्ट नाली में जाके गिरा। हम 8-10 लोग इकट्ठा होकर गए, उस पहियों को हमने वहां से निकाला। तो इस बार कौन सा प्रत्याशी आपकी समस्या? हमारा प्रत्याशी इस समय BSP का होगा और पूरे के पूरे सारे सारे मुद्दे के हम लेके चल रहे हैं, एक एक मुद्दा लेके चल रहे हैं, साफ सफाई, पानी, बिजली, रोड, हर चीज का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं। और जो हमारा मतलब नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी के अपने पार्टी के माध्यम से हम सारा की सारा काम करेंगे। लोग तो बोल रहे कि भाजपा का प्रत्याशी समस्याओं से निजात दिलाएगा। देखिए ये सारा की सारा काम हमारी पब्लिक, हमारी जनता वो करके दिखाएगी। जिस दिन 11 तारीख को मतदान होगा उस दिन हम सभी लोगों से बात करेंगे, BJP के लोगों से बात करेंगे, सपा के लोगों से बात करेंगे, और सारी सारी चीजें मुद्दों पे ही होती हैं, बातें बनाने से नहीं होता है कोई भी काम। तो बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेगी, एक 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 नहीं 1000% अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप बताइए भाई साहब, बता रहे कि बसपा जो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी, तमाम जो समस्याओं से निजात दिलाएगी लोगों को? बिल्कुल कराएगी सर, जब बसपा थी उसी टाइम देखिए काशीराम आवास आई, बसपा के ऊपर तो भाजपा का बी टीम लगने का आरोप लगता है। नहीं सर, कैसे लगने को है, विपक्ष लगातार हमलावर रहता है इस बात को लेकर, तो वो तो रहेगा ही रहेगा सर, जो ये पॉलिटिकल है इसमें चलता ही रहेगा। मायावती ने साफ मना कर दिया कि वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ऐसे में आपको लगता है कि बेहतर प्रेजेंटेशन हो पाएगा? सर बिल्कुल करेंगी, चुनाव बिना प्रचार करे चुनाव हो ही नहीं सकता सर, कैसे हो जाएगा बता। भाई साहब आप बताइए, बता रहे हैं कि बसपा और भाजपा दोनों मिलकर इस बार काम करेंगी, बसपा वाले कह रहे हैं कि बसपा करेगी, भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा वाले करेंगे, क्या कहेंगे इस बार में, कितनी दम लग रही है? दोनों पार्टियां कोई काम नहीं करेंगी, केवल मुद्दा भटकाने का काम करेंगी। हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, गलियों की गंदगी को देख के चुनाव लड़ना। लेकिन आपका तो बगावत हो गई, टिकट कटने के बाद लोग अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, एक पक्ष नाराज हो ही जाता है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है और घर में सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, बड़े जो फैसला लेते हैं कुछ बच्चे उनको नहीं भी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिखराव है, हम लोग फिर एकजुट होंगे। बीच में जो दरार आई उसका कुछ आपको लगता है कि नुकसान होगा? आप लोग ऊपर से कोई दरार नहीं है, हम सब लोग एक हैं, मनमुटाव थोड़ा सा हुआ है, उसको बैठ के सब सुलझा लिया जाएगा और बहुत सुधर भी चुका है, सुधर भी चुका है। तो देखिए लोग हैं, तमाम लोग हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग राय अपनी दे रहे हैं। भैया आप बताइए, बता रहे हैं कि भाजपा और बसपा दोनों जो पार्टियां वो बेकार की बात करती, कोई विकास नहीं करती है, और समाजवादी पार्टी विकास करती है। समाजवादी पार्टी की हालत हर आदमी देख रहा है, उसमें कोई कहने की सुनने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम करती है। हमारा मुद्दा जो है लोकल स्थानीय मुद्दा रहेगा निकाय चुनाव में, जिसमें पिछले 5 सालों से तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सारी समस्या से निजात दिलाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ, समाजवादी पार्टी अब तक तो कुछ कर नहीं पाई, उन्होंने क्या करा, गुंडे पाले, माफिया पाले, आज वही मारे जा रहे, तो बहुत बढ़िया। अरे भाई मिलाएंगे नहीं मिट्टी में, जब उन्होंने मारे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब एक जब गुंडा मारा गया तो सबको समस्या हो रही है, बताओ। तो समाजवादी पार्टी का क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई समाजवादी पार्टी के ही तो पाले हुए गुंडे हैं ये, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी और क्या। देखिए कितना बड़ा आरोप लोगों ने लगा दिया, तमाम लोग भगवान राम को कोसने वाले, माँ सीता को अपमान करने वाले नरेश अग्रवाल दूध के धुले हो जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा में आ गए, पहले आप उन पर तंज कसे जाते हैं, इससे पहले आज तमाम ऐसे आपराधिक लोग हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, कुलदीप सेंगर हुआ, स्वामी चिन्मयानंद जी हुए, आज इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनके ऊपर कोई अभियान नहीं चल रहा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी संरक्षण में पल रहे हैं। अगर इनकी भाषा की शैली को वो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होती तो समाजवादी पार्टी बीच में बोल पड़ती माफियों की, कार्रवाई किन पे हो रही है? कार्रवाई वो हो रही है जो लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लोग किसानी बात कर रहे हैं, कार्रवाई जो अगर आपने शिक्षा पे बात करी तो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, आप केवल नारे लगा दो उनके मन का नहीं हो रही है, टारगेटेड कार्रवाई हो रही है। लोग हमारी पार्टी में तो सब गंगा जल के दिले हुए हैं, और इनके कहने के अनुसार तो अंधा माटे रेवड़ी अपने अपने को दे दो, सभी देते हैं। अगर हमारी पार्टी के इनको लग रहा है कि कुछ दे रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं लेकिन बता रहे टारगेटेड कार्रवाई हुई तो गलत, कोई टारगेट कार्रवाई हुई? अगर टारगेटेड कार्रवाई जो गंदा है उसकी तो सफाई करनी है, गंदगी। अगर टारगेटेड कार्रवाई होती तो आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार में पद्म विभूषण दिया गया, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव होता। नहीं, वो भी बता रहे कि अपमान हुआ भारत रत्न मिलना चाहिए था उनको, ऐसा बोल लेना। अब वो तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग सम्मान करना जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी लोगों का सम्मान करते हैं, जिसका जैसा भाजपा के लोग सम्मान करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान करते हैं, भाजपा के लोग सम्मान करते हैं, भाजपा के लोग सम्मान करते हैं, सम्मान मुलायम सिंह जी को सम्मानित किया था, लेकिन मुलायम सिंह जी आदरणीय मुलायम सिंह जी इससे भी बड़े सम्मान के हकदार हैं और उनको आगे आने वाले समय में मिलेगा सम्मान। वो आज की तारीख में भारत का, भारत की बेटियों का और भारत के लोगों का ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या सम्मान करेंगे। आप देख रहे होंगे जो माफियागिरी की बात हो रही है, तो इसमें भी आप जो है लोग चिल्लाते हैं अगर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई आप निष्पक्ष करिए ना। आप एक माफिया ऐसे भी हैं जिनको आप जेल से निकाल के लाते हैं बाकायदा जेट सिक्योरिटी में और फिर उनको शपथ दिलाने के बाद जेल में अंदर कर देते हैं। तो ऐसे माफियाओं को आप संरक्षण दे रहे हैं और जो खास तौर से जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी खास तौर से मुख्यमंत्री ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। बड़ा आरोप है भाई साहब, आप बताइए, बता रहे हैं भाजपा के लोग ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं, विरोधी ओबीसी। जितना ओबीसी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इससे ज्यादा सम्मान कोई पार्टी ने आज तक दिया हो तो वो बता दे हमें। और इसके अलावा इन लोगों ने भरपूर कोशिश करी ये निकाय चुनाव को टालने की, कि जिससे ओबीसी का आरक्षण ना मिले। हमारी पार्टी ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव न कराने का स्पष्ट मन बनाया था, लेकिन उसमें तो लोग कोर्ट चले गए, तो आपकी पार्टी को मजबूरन कराना पड़ा। नहीं, कोर्ट तो इसीलिए गए थे क्योंकि ये चाहते थे कि कोर्ट में मुद्दा चला जाए और ओबीसी को आरक्षण ना मिल पाए। अगर ओबीसी के विपरीत पार्टी होती तो हमारे पिछली बार के कार्यकाल में भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो ओबीसी समाज से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी थे और इस बार भी उन्हें कंटिन्यू किया गया, जब जो क्योंकि वो ओबीसी समाज से अगर हमारे पार्टी को कोई एतराज होता या कोई दिक्कत होती तो हम विपक्ष के लोग बोलते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य नाम के मुख्यमंत्री की चलती, विपक्ष के लोगों को तो वो उन लोगों की चलती दिखती है जो लोग माफिया राज फैलाते हैं। इन्हें तो अतीक जैसे लोगों की चलने वाली पार्टी चाहिए। यहाँ ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें माफिया ग्रो कर जाए, माफिया ग्रो करने वाली पार्टी नहीं है। लोगों को ये नजर आता है कि माफिया के लिए हर जगह हावी हो जाए, इन्हें वो पार्टी अच्छी लगती है। आपकी पार्टी में माफिया नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी में कोई माफिया नहीं है। और अगर कोई इक्का दुक्का माफिया कहीं से ग्रो करता है तो हमारी पार्टी उसमें उस व्यक्ति को पार्टी से तुरंत निष्कासित करने का काम न्यायपालिका विकास का ही मुद्दा रहता है हमेशा। और क्या समस्या है शहर में प्रमुख? समस्याएं प्रमुख तो सब ठीक ही है, बाकी काम लगातार जो भी अध्यक्ष रहेगा उसको करना पड़ेगा। सारी सफाई की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ये नगर पालिका का दायित्व है, उसको निभाना होना चाहिए। भैया बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो बदले की भावना से काम करती है, पिछड़ा विरोधी है भाजपा? बिल्कुल नहीं है पिछड़ा विरोधी। मेरे तो समाज के जो नरेंद्र कश्यप जी हैं उन्हें तो इतना बड़ा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व दिया गया है, अगर पिछड़ा विरोधी होती तो नरेंद्र कश्यप जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री कैसे होते? तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं आपके ऊपर? समाजवादी पार्टी ने अभी तक करा क्या, गुंडों को पाला है। अभी उनके माननीय योगी जी ने जब गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में बंद कर दी तो विपक्ष को कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। इनने तो गुंडे पालने का काम करा, शाम होते ही जब कोई जवान बहन हमारी जब रोड पे निकलती थी तो उसके कुंडल नुच जाते थे, गले की चैन गायब हो जाती थी, बलात्कार रेप होते थे। आज आप देख लीजिए, सब रुक गए, सब रुक गए हैं बिल्कुल। देखिए लोग हैं, बता रहे हैं इनको कानून पे विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री जिसको चाहते ठोक देते हैं, जिसको चाहते बुलडोजर चलाते हैं। कानून न्यायपालिका उनके लिए कोई अहम नहीं रखती है। पहले मुख्यमंत्री है, 69 मुकदमे मुख्यमंत्री ने खुद ही वापस ले लिए, बताइए इसका पर्यावरण क्या होगा? मुख्यमंत्री ने वापस ले लिए। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। इनका एक ही काम है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना। यहाँ लोकल सरकार की बात हो रही है, लोकल सरकार की बात ना करके लोकल मुद्दों की बात ना करके इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना। जहाँ प्रदेश में सुरक्षा कानून, जनता ने इन्हें दोबारा भी जवाब दिया है। हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए हैं और जनता इन्हें फिर जवाब देगी 2024 में इन्हें फिर जवाब देगी। जनता का जवाब सबसे बड़ा जवाब है, जनता का तमाचा सबसे बड़ा तमाचा है। जनता इन जवाब दे चुकी है दोबारा और इन लोगों के पास हताशा निराशा के अलावा कोई जवाब नहीं है। और
जनता ही इस 2023 के नगर पालिका चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को फिर जवाब देगी। पांडे जी आप बताइए। वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था कि पिछड़ा विरोधी इसलिए मैं कह रहा था और पिछड़े लोग इस चीज को समझते भी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। कभी भी एक बार भी विधायक संसद में या विधानसभा में ये नहीं बोला कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जबकि पड़ोस के राज्य बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। तो ओबीसी समाज ये चाहता है कि जिसकी जैसी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जनगणना होनी चाहिए, लेकिन चुनाव में पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनकी बात को भी नहीं सुन रहे हैं। और एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि पिछड़ों का ये अधिकार है, इसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बता रहे की जातिगत जनगणना भाजपा जानबूझ के नहीं करा रही, जबकि जो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री वो कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। ऐसा ना, जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा ही विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए कराने का प्रयास किया जा रहा है, ये कुर्सी का जो खेल होता है, क्योंकि मुद्दा कोई बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा इसी पे घेरो, कैसे भी पिछड़ों को अपनी तरफ करो। पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, आज पूरा मैं समझता हूँ 95% पिछड़ा वर्ग हमारे साथ। और मैं यहाँ पे आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लोकल मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव कूड़े निस्तारण पर लड़ाया जाएगा, ये चुनाव स्ट्रीट लाइट की समस्या पर लड़ाया जाएगा, ये चुनाव पानी की निकासी पर लड़ाया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में सोचती है। तो आप समझिए, इन सब चीजों का निजात अगर कोई दिला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही दिला सकता है। भैया बताइए, इस बार नगर निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे अभी रहने वाले? मुद्दे जो नगर निकाय के चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो साफ सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, जैसा कि भैया ने बताया, इन्हीं मुद्दों पे नगर निकाय के इलेक्शन जो है वो लड़े जाते हैं। और सपा हो या बसपा हो, ये उल्टे सीधे मुद्दे ला करके वोटरों को जो है, मतदाताओं को जो है, वो इधर उधर उनका ध्यान करना चाहती है, लेकिन मतदाता सोच चुका है कि जो प्रत्याशी होगा भाजपा का होगा, जो साफ सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर को आगे बढ़ाए। भैया आप बताइए इस बार पिछले 5 साल जो गुजर गए, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में वो काम नहीं हुए, जो इस बार कौन सा प्रत्याशी है वो उन सारे कामों को कराएगा, जनता को निजात दिलाएगा, किस तरह का? देखिए, मैं ये चाहता हूँ जो भी जनता की यहाँ पे खिदमत करे और जनता का सम्मान करे, शहर को स्वच्छ बनाए, हम उसे सपोर्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या सपा या बसपा जिनका प्रत्याशी अच्छा होगा, मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो दल छोड़ दिए। अगर वास्तव में मुझे प्रत्याशी ढंग का मिला तो मैं भाजपा का भी लड़ा दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंध में इसलिए लड़ा दूंगा अगर वो काम करने वाला प्रत्याशी होगा। लेकिन मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहिए जहाँ कोई प्रत्याशी जीते। समस्याओं के अंबार है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या मौजूदा कोई है, वो कोई कार्य नहीं करेगा। समाजवादी प्रत्याशी हमारे मजबूत तरह से लड़ेगा, जीतेगा और जो भी है विकास कार्य पूरे दूर होंगे। कौन से मुद्दे अभी रहने वाले, कौन कौन सी मेन समस्या शहर की? सबसे बड़ी मेन समस्या है पानी का निकास, क्योंकि नाले साफ रहेंगे तो पानी का निकास बढ़िया रहेगा, बिजली व्यवस्था अच्छी रहेगी तो रोटी रहेगी अच्छा रहेगा। दूसरे हमारा ये कहना है कि चौराहे या गली जहाँ भी हमें ऐसा लगता है वहाँ पर कैमरे की निगरानी में कैमरे लगना चाहिए, इससे कैमरे निगरानी होगी तो और भी लाभ लोगों को मिलेगा। और रही अभी जो बात चल रही है सम्मान की बात या उसकी बात, हमारे माननीय मोदी जी तो वो इंसान है कि वो ऐसी समाज के चरण धोके उनका सम्मान करते हैं, तो आम जात की बात कहाँ सम्मान करते हैं। देखिए ये लोग हैं, तमाम लोग हैं। भैया बताइए, इस बार वरना विकास चुनाव होने वाला है, क्या क्या मेन समस्या शहर की जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं? देखिए, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूड़े के ढेर, नालियों में बिजबिजाती हुई गंदगी, ये सबसे मेन चीज है। तो पिछले शहर का हम काम नहीं हुआ क्या? नहीं, काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर तराई का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इसकी सड़कें साफ स्वच्छ हों, ये सुंदर शहर हो, उस सुंदरता को नहीं प्रदान किया गया। जिस तरीके की हरियाली और जिस तरीके की चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया गया है। मेरा मानना यह है कि हम ऐसे प्रत्याशी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी के पास ही सिर्फ इस तरीके की कार्यशैली है, वही
बिल्कुल जड़ से काम करेगी और जब काम करने पर आएगी तो ये शहर पूरी तरीके से, शहर की फिजा पूरी तरीके से बदली हुई होगी। ये शहर सुंदर शहरों में निकल करके आएगा और एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल निकल करके आएगा। ये आप सभी देखेंगे और आने वाले अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि जो कार्य होगा वो अतुलनीय होगा। देखिए लोग हैं भाई साहब, आप बताइए कि जो पिछले 5 साल गुजर गए उनमें क्या कुछ काम नहीं हुआ, तमाम लोग समस्या बता रहे हैं। 5 सालों से दलाली कमीशनखोरी हावी है नगर पालिका में, और नगर पालिका ना कह करके मैं कहूंगा कि वो इस समय नरक पालिका है, भ्रष्टाचार का अड्डा है इस समय। क्योंकि पीलीभीत में जब बारिश होती है तो जगह जगह ऐसे जाम लगते हैं पानी के ना, मोटरसाइकिल साइकिल पैदल आदमी नहीं निकल पाता, ऐसे कहते नाले बंद हो जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो है क्या, बस इनने क्या करना, दलाली करनी है, कमीशनखोरी करनी है, पैसा चाहिए बस, खाली पैसा कमाने का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा कमा रहे हैं बस। और हुआ है बता रहे भैया कि नगर पालिका में कूड़े से लेके पानी, स्ट्रीट लाइट, तमाम जितनी भी समस्या, सारी समस्याओं ने घेर रखा है। क्या 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ क्या? तो यहाँ जितने लोग खड़े हुए बता दें कि शहर के अंदर कोई बुक मार्किंग रोड उन्होंने बना के दी है, कोई सड़क बना के दी उन्होंने, कोई नाला बड़ा ना बनाया, कोई जो तालाब के जो पानी निकासी की व्यवस्था है आप देखिएगा, हर तरफ से आप हर मोहल्ले हर गली में देखेंगे कहीं से पानी नहीं निकल रहा है। पूरे के पूरे 5 से 10 साल में अगर देखेंगे तो कहीं भी किसी भी जगह पर ना स्ट्रीट लाइट दी उन्होंने, ना उन्होंने फुटपाथ बनाया किसी सड़क पे। आप देखिएगा मुख्य मार्ग स्टेशन रोड, छोटा सा शहर है, अगर मन से काम करा जाए तो मुझे लगता है कि उस पर इतना बढ़िया रोड बन सकता है, एक आदर्श शहर बन सकता है। लेकिन क्या है, दिमाग उस पे नहीं लगाते हैं, उनका दिमाग लगाते हैं केवल और केवल इस बात पे पैसा कमाया गया, पैसा कमाने पे। भाई साहब आप बताइए कि चुनाव आते समय लोग तमाम तरह के वादे करते हैं, पिछले 5 सालों में लोगों ने वादे किए थे लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, इस बार भी लोग वादे करेंगे या काम भी करेंगे? 15 साल से एक ही व्यक्ति पालिका पर काबिज है और 15 सालों में इतना लंबा समय उनको मिला और इतना धन भी उनको सरकारों में मिला, हमारी सरकार में भी मिला। लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम तुलनात्मक चीज़ें देखें, अन्य छोटी छोटी पंचायतों को देखते हैं, हम नीरिया चले जाएँ, हम पूरमपुर चले जाएँ, वहाँ इतने डिवाइडर, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, इतने अच्छे सुंदर पार्क, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। ऐसा कोई भी कार्य 15 सालों में नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि इन चेयरमैन साहब का मिल का पत्थर। तो कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। एक ही रोड को बार बार बनाने का जो काम हुआ है, जैसे कि पीछे आपको बताया गया, एक ही रोड को बार बार बनाना, 5 साल में समझता हूँ कुछ रोडें तो ऐसी हैं 3 बार बन गई, कोई मुकम्मल काम नहीं हुआ है, कोई मुकम्मल। देखिए और भी लोग, इन्हीं से बात करूंगा और तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगा। भैया आप बताइए, बता रहे हैं कि नगर पालिका में समस्याओं का अंबार है, पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ, एक ही आदमी लगातार काबिज रहा, चुनाव के वक्त लोग वादे करते हैं, इस बार भी प्रत्याशी आएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार भी लोग ठगे जाएंगे, क्या कोई काम नहीं होगा? जिस तरीके से 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नया कर रहे हैं, इनके यहाँ चार विधायक हैं, एक मंत्री है, उन्होंने भी कभी इस शहर की तरफ मुड़के नहीं देखा कि अगर नगर पालिका की प्रत्याशी तो उनकी पार्टी का नहीं था ना, चुनाव तो उन्हीं को लड़ाता है, सरकार केंद्र में चुनाव तो हर बार भारतीय जनता पार्टी को लड़ाते हैं, प्रवासी रोड पे आते हैं, एक नगर पालिका चुनाव तो हमेशा बीजेपी को लड़ाया, प्रवासी ने इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, विधायक वोट लगाए कर रहे हैं, कोई बात नहीं करा इन लोगों और लोगों से सवाल लेता हूं। भाई साहब बता रहे कि पिछले 15 सालों में अगर काम नहीं हुआ तो सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, फिर भी काम नहीं करा पाए आप लोग? पूरे भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खमीर फैक्ट्री हमारे पीलीभीत में बन रही है, मेडिकल कॉलेज हमारे पीलीभीत में बन रहा है, सड़कें, कोई भी सड़क पीलीभीत के अंदर, अगर विधानसभा की काम बात की जाए, विधानसभा और लोकसभा की बात की जाए, मैं आपको विधानसभा लोकसभा की बात बता रहा हूँ, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि लोकल मुद्दों पर चुनाव, लेकिन विपक्ष के लोग बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इस बार भी जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें पीलीभीत के अंदर 8,500 बताइए, पिछले 15 सालों में पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सड़कों की समस्या, नाली की समस्या, आप बता रहे कि आपके भाजपा के विधायक सांसद फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो? लोकल सरकार जो होती है उसमें विधायक और सांसद का दखल बहुत कम होता है। इस बार लोग ठगे जाएंगे या कुछ काम भी होगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकल में बनेगी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुन करके आएगा और विकास की एक नई गाथा लिखी है। तस्वीर बदलेगी इस बार क्या? जी बिल्कुल बदलेगी और बहुत अच्छी सौंदर्यकरण हो जाएगा पीलीभीत का, भारतीय जनता पार्टी का हमारा बदलेगी तस्वीर। देखिए लोग हैं, तमाम लोग बता रहे हैं कि इस बार तस्वीर बदलेगी, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इस तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। भाई साहब आप बताइए, बता रहे इस बार तस्वीर हर हाल में बदलेगी नगर पालिका की, भाजपा के प्रत्याशी बदलेगा इस बार? ये तो हमेशा कहते हुए आया भारतीय जनता पार्टी के कोई, जो 15 साल से प्रभात जायसवाल जो चेयरमैन बन रहे हैं वो सपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे चुनाव आता है विधायक सांसद वो कितने लड़ाते हैं प्रभात जायसवाल, तो उनके बराबर में तो भाजपा का प्रत्याशी लड़ता ना चुनाव, तो आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए लड़ता है, वो डमी कैंडिडेट में भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी हरा देते हैं प्रत्याशी, अभी भी यही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खड़ा होगा हरा देंगे, वो अपने ऊपर चलने की समस्या को निजात दिलाएगा, कौन प्रत्याशी दिलाएगा? देखिए आपकी समस्या का निजात जो है
जिसे जनता मन बना चुकी है। आने वाले समय में 11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो आपको तय हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के आज प्रत्याशी बता दे रहा हूँ अब आपको, अगर आप कहना चाहते हैं मौजूदा समय में जो प्रत्याशी है जो गरीब हिट की बात कर रहा है नफीस अहमद अंसारी जीत के जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हिंदू लड़ा है कहीं तक, और शहर के अंदर भी कोई किसी प्रकार का भी, हम पब्लिक के अंदर गए भी, हमने बातचीत भी की, लोगों घरों के पास भी गए, और जो हमारा प्रत्याशी होगा बीएसपी से होगा और वही प्रत्याशी इस बार अपनी जीत कायम करेगा और पीलीभीत शहर का पूरा की पूरा नक्शा बदल देगा और पीलीभीत शहर को ग्रीन सिटी स्मार्ट सिटी बनाने का हम लोगों ने पूरा प्लान लिया है और बीएसपी ही पार्टी का ही कैंडिडेट रहेगा। और तमाम लोग हैं, जनता है पीलीभीत की, जिनका तमाम मुद्दों पर कहना कि पीलीभीत में चाहे पानी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, तमाम ऐसी समस्याएं जो नगर पालिका में हावी है और इसी वजह से पिछले 15 सालों से लगातार जनता प्रत्याशियों के वादों को लेकर ठगती आ रही है। हालांकि इस बार लोगों का वादा है कि जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा वो इस बार पीलीभीत की तस्वीर जरूर बदलेगा। हालांकि लोगों का ये भी कहना कि जो प्रत्याशी है उनका चेहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो सिंबल है पार्टी का, हालांकि उसका प्रभाव भी रहेगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि लोकल की सरकार है, तो इस वजह से जो प्रत्याशी है उसकी भूमिका अहम होगी। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत।